सोहनलाल द्विवेदी। बच्चों, आपने उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो, जरूर सुनी होगी। आप जानते हैं ये कविता किसने लिखी है? सोहनलाल द्विवेदी जी ने। राष्ट्रकवि सोहनलाल द्विवेदी हिंदी के एक सुप्रसिद्ध कवि हैं। सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म 23 फरवरी 1906 को बिंद की फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने हिंदी विषय में एमए तक शिक्षा प्राप्त की तथा संस्कृत का भी अध्ययन किया। सोहनलाल द्विवेदी की रचनाओं पर गांधी जी के विचारों का बहुत प्रभाव रहा। देश प्रेम की भावना को जगाने वाले कवियों में सोहनलाल द्विवेदी का नाम तथा स्थान सबसे आगे है। इन्होंने बाल साहित्य में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। इनके प्रसिद्ध रचनाओं में से कुछ हैं भैरवी, पूजा गीत, सेवाग्राम, प्रभाती, युगाधार, कृशालु, चेतना और बांसुरी। उनकी बाल रचनाएं हैं शिशु भारती, बच्चों के बापू, बिगुल, बांसुरी और झरना। ये रचनाएं आज भी बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। भारत सरकार ने 1969 में इन्हें पद्मश्री उपाधि से सम्मानित किया।